फाइट कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा नीला कलर का। हेलो दोस्तों, तो बहुत शुभचिंतक घटना है कि सिवान के ज़िले में एक बतरौली गांव पड़ता है, वहां पर एक स्नेक बैठ हुआ है और लड़की का देहांत हो गया है। तो घर वाले कह रहे हैं कि सांप घर के अंदर छिपा हुआ है, तो आइए हम सांप का रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। बाद में कहो तुम कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वो कोबरा है जिसे काटने से एक बहन का जान जा चुका है। देखिए दोस्तों, ये हमारे घर में चूहा के फिराक में चला आता है। देखिए दोस्तों, ये न्यूरोटॉक्सिस का एनिमल है। देखिए, देख सकते हैं कितना ये जहरीला है, ये कितना ये जहरीला। आप लोग साइड हटिएगा, थोड़ा साइड हटिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बहन पड़ी हुई है, इसी को ये सब करना है। तो जिले पहले हम इसको बेच कर देते, उसके बाद इसके बारे में दोस्तों देखिए, ये सब बाइट किया है ना, पूरी तरह से ये भयानक को रिलीज किया शरीर, जिसके कारण तुरंत सिम्टम उत्पन्न हुआ है और हॉस्पिटल ले जाने के दौरान हॉस्पिटल में एंटी वेनम भी लगा है और मृत्यु हो गया है। देखिए, इसके मुंह में ब्लड भी लगा हुआ है, बहुत तेजी से ये बाइट किया है और लगभग 25 से 30 मिलीग्राम से ऊपर जहर अपना ये शरीर में रिलीज कर दिया है। दोस्तों, इसे अपने बिहार में गेहुआन, नाग, कोबरा के नाम से जानते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिस का वेनमस स्नेक होता है। इसके काटने के बाद आप किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझे गुंडी के पास ना जाएं। जब ये सांप काटता है तो डायरेक्ट आप हॉस्पिटल जाएं। अगर आप तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी ओझे गुंडी के पास जाएंगे, तो आपकी मौत निश्चित है, क्योंकि झाड़ फूँक के चक्कर में आप कभी ना पड़े। देख सकते हैं कितना ये एग्रेसिव है, देख सकते हैं आप, ये कितना ये गुस्सा में है ये। लेकिन आपके ऊपर आवाज नहीं कर रहा है, काम तो कर ही रहा है ये, काम नहीं कर रहा है ये, क्या है? देखिए दोस्तों, ये काटता कब है, जब अचानक हमारा हाथ या पैर इसके शरीर पर पड़ता है तो ये तुरंत काट लेता है। ये पैर पड़ा है, हाँ पैर पड़ा है, दिन रात पैर पड़ा है, तभी ये काट लिया है, बिना पैर पड़े ना काट। इसको हम डब्बे के अंदर पैक करते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे डबल डब्बा।
डब्बा लिया धारा नीचे देख 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 है ना गुरु देखो देख देख देखिए अगर ये सांप काट लेता है तो सबसे पहले डरे नहीं, क्योंकि अधिकतर मृत्यु डर के कारण होती है। कॉर्डिया क्रस्ट होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो अगर ये सांप काट लेता है तो हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम देता है। लेकिन अगर जहर ज्यादा रिलीज कर देता है शरीर में, 35-40-45 मिलीग्राम अगर जहर रिलीज कर दिया तो 45 से 1 घंटा के अंदर हमारी मृत्यु निश्चित है, अगर इलाज नहीं होता है तो। ये देखने में छोटा है लेकिन इसके पास वेनम बहुत ज्यादा है, ठीक। तो आप लोग ये देखिए सबसे पहले कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, क्योंकि अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ये चूहा के फिराक में हमारे घरों के अंदर आते हैं। इसका मुख्य भोजन चूहा ही होता है और चूहा के फिराक में हमारे घर के अंदर चले आते हैं, जिसके कारण अचानक हमारा जब हाथ पैर इसके शरीर पड़ता है तभी ये काटता है। तो सबसे पहले इसको हम डब्बे के अंदर पैक करते हैं, तब उसके बाद आपको बताते हैं। दोस्तों खाना इसी समय होता है, आप बिना प्रशिक्षण के सांपों का देखिए छोड़ देंगे। देखिए ये यही वो सांप है, ये जब काटता है ना तो देखिए सिम्टम क्या होता है, हमारे पेटों में दर्द, उल्टी होना, नींद आना, गला सूखना, इसके काटने के बाद यही लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए इसके मुंह में यहाँ पर थोड़ा सा ब्लीड भी है, और चलिए आपको दिखाते हैं जगह जहाँ पर बाइट किया है, कैसे ये बाइट किया है। देखिए यही पर ये बाइट किया है बहुत तेजी के साथ, यही पर ये बाइट कर दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा नीला कलर का हो गया। इसका हम पल्स चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस जिंदगी के आनंद फालन में मौत की कब आखिरी शाम आ जाए ये कोई नहीं जानता है, हम भी रेस्क्यू कर रहे हैं, कोई नहीं दोस्तों कह सकता कि इसका कब वक्त आ जाएगा, कैसे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हटी ना पल्स चेक कर यहाँ पर, पल्स नहीं कर रहा है। दोस्तों यही वो बहन है जिसको ये गुस्सेले नाग ने बाइट किया है, बहुत दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि मृत्यु हो ही गई है। तो चलिए बाहर की तरफ इसको हम ले चलेंगे। सबसे पहले कि बाइट छोड़ लिया है, अगर आप लोग हार्ट फूक में पड़ते हैं ले जाना है, सब कुछ ही फायदा नहीं। अगर आपके नज़र में कोई ऐसा आदमी है जो हार्ट फूक के ठीक कर दे तो हम उनको अपने तरफ से चाहे अपना घर गिरवी रखे अपना शरीर को गिरवी रखे 5 लाख का इनाम मेरे तरफ से है। अगर कोई आदमी है वैसा कि झाड़ फूक का ठीक कर दे बच जाती है बच्ची, बच्ची बच जाएगी, वो बहन बच जाएगी, तो 5 लाख अपने तरफ से हम देंगे, ये बात तो संभव नहीं है, ठीक। क्योंकि मृत्यु ऑलरेडी हो चुका है, आप कहीं भी जाइएगा पैसे की बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी होगी और वक्त की बर्बादी होगी। गर्मी का मौसम है, अगर आप लोग रखना चाहते हैं किन्हीं के इंतजार में, अगर कल आप लोग को अंतिम संस्कार करना है हाँ तो आराम से आप लोग बर्फ में रख दीजिए शरीर को, क्योंकि कहीं ले जाने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ दिक्कत होगा, सिर्फ कहीं ले जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई वैसा आदमी नहीं है, संभव नहीं है कि आप कोई बचा सके उसे।
ये तो सबको पता है, यही चीज तो हम लोग बोल रहे हैं। देखिए झाड़ फूक के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िएगा। देखिए पनिया सांप काट लेता है, बमना सांप काट लेता है, धामर सांप काट लेता है, तो यही सांप जो है ना इन्हीं लोग के काटा हुआ झाड़ फूक कर कोई बाबा या तांत्रिक ठीक कर देते हैं लोग। आपका प्लेस कहाँ है? हमारा प्लेस गोपालगंज बस्टीला पड़ेगा। जी तो अगर कोई आदमी अगर है तो चलिए खुद हम लेकर चलेंगे, अपने तरफ से जितना पैसा लगे हम ले चलेंगे, लेकिन अगर कोई आदमी है कि यहाँ जिला दे तो इसमें आप लोग देखिए दोस्तों बचने वाला है नहीं सिस्टम। सांप जब भी काटता है तो डायरेक्ट अस्पताल ही जाए, झाड़ फूक के चक्कर में कभी ना पड़े, क्योंकि अगर वक्त की बर्बादी होगा तो हमारी जान चली जाएगी। जमशेर भाई कोई 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 भी अगर कोई भी है इनके घर का, इनकी मम्मी कहाँ? मेरा नाम मम्मी है, अंदर है, आइए। डॉक्टर जमशेर पड़ेगा, अंदर है मम्मी। झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, अगर कोई कोई भी साथ भी हुई कि अगर ठीक करी तो हम अपना तरफ से ले चलें खुद, हम जौन भी पैसा लगे हम लगा 2 लाख 1.5 लाख जितना लगे वो सब तक बहन के जान बच जाओ, तो वो चक्कर में रो ना पड़े कि झाड़ फूक के चक्कर में आराम से रहे थी शरीर के दिक्कत पहुंची। देखिए एक ऊपर पैर पड़ गए भाई, तुरंत काट लेने बा, पैर पड़ल बा और बहुत तेजी के साथ ही पकड़ लेगा।